हेलो माय यूट्यूब फैमिली, होप सब ठीक हैं और मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं और अपनी लाइफ में भी एकदम मस्त चिल मार रहे हैं। दोस्तों, अभी हमारा मैच चल रहा है, पहली इनिंग ख़त्म हो गई है जिसमें हमने बैटिंग करी थी और जिसमें हमने 175 का टारगेट दिया है ना, 174 हमने स्कोर करा। फर्स्ट लॉट की कंडीशंस के हिसाब से पहले शुरू के 3-4 ओवर थोड़ी सी नमी रहती है पिच में और ग्राउंड पर भी, तो बॉल थोड़ा फंस के आता है इनिशियली स्टार्ट, लेकिन हमारी अच्छी थी, हमारे 5 में कम से कम 55-60 रन के अराउंड थे। उसके बाद थोड़ा सा इनके स्पिनर्स ने आके कंट्रोल करा, स्कोर थोड़ा सा कंट्रोल करा, अदरवाइज 200 के पार जा सकता था, तो इन्होंने काफ़ी सही रिस्ट्रिक्ट करा। उस हिसाब से 174 पे पिच, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं पिच की तरफ, तो विकेट तो हार्ड है बट इट्स समथिंग, यहाँ पर बॉल थोड़ी स्किट होके आ रही है लेकिन स्टिल बैटिंग ट्रैक है, तो 174 चेज भी हो सकते हैं अगर शुरू में हम इनके विकेट्स थोड़े जल्दी ना गिराएं तो। ग्राउंड स्क्वायर से थोड़ा छोटा है लेकिन सामने की बाउंड्रीज डिसेंट है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन डिसेंट है, अच्छी है, तो कंपटीटिव गेम तो रहेगी। तो होपफुली वी विल ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट देम, और ये टूर्नामेंट मैच है तो थोड़ा हम रन रेट को भी देखेंगे। दूसरी टीम में एक दो ही बैट्समैन डिसेंट है, तो अगर हमने उन्हें जल्दी आउट कर दिया तो मैच हमारी तरफ फॉर श्योर आ जाएगा। बॉलिंग यूनिट हमारी ठीक है तो होपफुली ज़्यादा ट्रबल नहीं होनी चाहिए, बट लेट सी, हल्के में किसी को भी नहीं ले सकते, क्रिकेट इज़ बाय चांस, तो कुछ भी हो सकता है। बाकी आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है, तो विशिंग वेरी मच गुड लक टू आर इंडियन टीम, सारे एक से बढ़कर एक ऑसम प्लेयर हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है हमारी, अच्छा खेल रहे हैं हम लोग, वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा करा अभी तक सारे मैचेस में, और फाइनल मैच में भी उम्मीद है उतना ही बढ़िया करेंगे हम लोग। तो मैनी मैनी गुड लक विशेस फॉर आर टीम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ मैच है, वो भी टीम रिदम में आ गई है, शुरू में थोड़ा बहुत उनके मैचेस ऐसे ही रहे थे बट उन्होंने काफ़ी अच्छी रिदम पकड़ी है, और सेमीफाइनल भी उनका क्लोज इनकाउंटर था साउथ अफ्रीका से, तो लेट्स सी आज क्या होता है। जब तक मैं ये अपलोड करूँगा तब तक तो मैच का रिजल्ट आ चुका होगा, क्योंकि अपलोड करने में एडिट वेडिट करने में 2-3 दिन लगते हैं, ज़्यादा मैं एडिट वेडिट करता नहीं हूँ, स्कोर का वो दिखाना है 4-6 ये वो, क्योंकि सबको पता है चौका छक्का लग रहा होता है, बट मैं कोशिश करता हूँ अपने यूट्यूब फैमिली के लिए जितनी हो सके उतनी मेहनत करके एडिट वेडिट कर सकूँ। केडी सर मैदान में आते हुए अच्छा ये पूरा अपना सेट कर रखा है, चला दिया पर आने दो सर, पेस नहीं है ज्यादा, कर लूंगा मैं, अब बॉल डालो अपना, मैं ऊपर हूं भाई, ऊपर हूं, नहीं 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 जाएगी बॉल, बॉल है यार, क्या बात है, बॉल है, बॉल है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। पहला बॉल वो कॉटन बॉल था, फंस गया था, हां वो फंस गया था, पहले खाना कुछ बस वो चला दिया, बोले बैठे से कर दिया, चलो बढ़िया बढ़िया, शॉट यार, गुड शॉट, आओ बॉयज बॉयज, माता रानी की जय, बहुत अच्छा। बॉल ही बहुत नीचे रह रहा है, यार आप बाहर क्यों नहीं डाल रहे हो, और बाहर फेंक देते ही है भाई, वो बाहर निकला, हाथ घुमा रहे थे ऐसे, बैट्समैन बैट्समैन आ गया, चलो चलो बना रहा था ना, ठीक है आ जाओ, बना रहा था वॉइस, बोलेंगे माता रानी की जय,
कर रहे हैं सुनील भाई हैं। एक कम ऑन सिंगल इजी इजी लो फुल टॉस डाली आपने सारी 80% बोल आज आओ तेज आ सकते हैं यहाँ पे आउट हो जाएगा छोट आउट हो गया ये इधर दो ना ओए वहां इतनी ऊपर कैसे फेंक रहे हो कोई नहीं अब बॉल करो चलो चलो कोई बात नहीं बॉल अगली पे कंसंट्रेट करेंगे आउट हो गए बस यही थोड़ा सा पीछे रखेंगे बॉल ओए यार रुकेगा शॉट है बॉल दे देना छोटा बॉल फेंक रहे हो ये कैच इट खड़े खड़े जहाँ खड़ा था वही है कंधा लेके ना कंधा अरे पिछली बार भी लास्ट बॉल देखा था जहाँ खड़ा था वही है जैसे ही दूरी बॉल डाले बोलेंगे माता रानी की जय तेज वाले आगे बढ़ने वाला है ये भी बोलेंगे माता रानी की जय यार आराम से यार कह रहा हूँ आराम से आओ
कैच देखना यार, देखना कह भी रहा हूँ आपको, हट ही नहीं रहे।